हमारे मन में आई वो सुना, हमारे मन में आई है ऐसी बात, इस वर्तमान जीवन में मनुष्य मात्र महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची बात है, संदेह नहीं है, सच्ची बात है। ऐसी ऐसी बातें हैं मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है। इस जीवन में महान आनंद प्राप्त कर सकता है पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल अपढ़ हो, बुद्धिमान हो, चाहे बुद्धि कम हो। अब बात ऐसी है, अभी बात महान सुखी हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। अब एक बात बताया आपको, इस जीवन में महान सुखी हो सकता है मनुष्य मात्र, भाई हो, बहन हो, ब्राह्मण क्षत्रिय भेद शूद्र सनातनी हो, बौद्ध हो, चाहे मुसलमान हो, अंग्रेज हो, कोई भी हो, महान आनंदित हो सकता है, इसमें संदेह की बात नहीं है। ऐसी बातें मेरे को संतों से शास्त्रों से मिली है, हमारे घर की नहीं है। उन बातों में एक बात आज विशेषता से कहता हूँ, ये जो हम सुखी दुखी होते हैं ना, ये गलती है हमारी। उसमें गलती क्या है तो लक्ष्मण जी ने अध्यात्म रामायण में निषाद राजगुरु से कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशा, अहं करोमि इति प्रथाभिमान, स्वकर्म सुसंत है जो ही लोक। रामायण में कोई सुख दुख करता था, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, निर्कृत कर्म भोग सुखता था, ये उसी भी रामायण उसी प्रसंग आता। सुख दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, ये खास बात, ये सूत्र है खास। और दुख दूसरा देता है ये कुबुद्धि है, उससे बुद्धि है, खोटी बुद्धि है, इसका त्याग कर देना चाहिए कि दूसरा कोई दुख दे सकता ही नहीं। महान दयालु सर्व समर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के रहते हुए कोई किसी को दुख दे दे, संभव नहीं है। परम दयालु सर्वसमर्थ और सर्वज्ञ परमात्मा के जीते जीते कोई किसी को दुख दे रहे हो नहीं सकते। इस वास्ते दुख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे सुख के लिए अहंकारों में इसी प्रथा अभिमान, मैं कर लेता हूँ ये अभिमान प्रथा, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुख दे नहीं सकता और अपने सुख कर ले, ये आज की बात नहीं है। स्वकर्म सूचक कहता पहले किए हुए कर्मों से ये अपना जीवन ग्रसित है, गूंथा हुआ है, वो जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसी परिस्थिति आवेगी। तस्मिता को सात्यायुर होगा, योग सूत्र में आया है, जन्म आयु और भोग ये अपने किए हुए कर्म का फल है। दसी विपा का फल बताया, जन्म होना और आयु प्राप्त करना और सुख दुख का आना, ये कर्म का फल है, ये पातंजलि योग में आया है। अब जो सुख दुख होता है इसमें एक मर्म की बात मेरे को मिली है, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि परिस्थिति है वो तो भोग बताया ना, जन्म होना, उम्र होना और भोग होना,
तो भोग ना सुख दुख अन्य साक्षात्कार होगा। सुख दुख का साक्षात ज्ञान हुआ इसका नाम। अब इसमें दुख आने पर जो दुखी होना और सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना क्या है कि केवल मूर्खता, केवल मूर्खता और कोई बात नहीं। और मूर्खता मिटाई जा सकती जैसे वर्णों के ज्ञान से, अक्षरों के ज्ञान से वर्ण अज्ञान अक्षर अज्ञान मिटाया जा सकता है, ऐसे ये मूर्खता बिल्कुल मिटाई जा सकती। ये मूर्खता सुख दुख होते हैं। सुखी दुखी होना ये कर्म का फल नहीं है। तो इस कर्म का फल क्या है? कर्म का फल है परिस्थिति। कर्म किए जाते हैं वो कर्म परिस्थिति रूप से हमारे सामने आ गए। सुखदायी परिस्थिति, दुखदायी परिस्थिति, वो परिस्थिति आना है वो कर्मों का फल। कर्मों का विधान भगवान के द्वारा किया हुआ, तो इसका फल ऐसा होगा, इसका फल ऐसा होगा भगवान के द्वारा। और भगवान किसी को दुख दे ये बात असंभव है। कोई भी अपने संतान को दुखी नहीं करता, भगवान दुखी करेंगे। हमारी वांशो नहीं बुझो ईश्वर अंश जीव अभिधा थी। तो भगवान का विधान मंगलमय होता है, सबके मंगल में। दुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय, सुखदायी परिस्थिति भी मंगलमय है। और अभी मंगलमय है दोनों साधन सामग्री, सुख दुख दोनों ही साधन सामग्री, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय भाई, विषय होना इस शरीर का फल है ही नहीं। इसने एक फल दोनों से ऊंचा उठ करके मुक्त होना है। इस बात से सुखी दुखी होने के लिए नहीं, दोनों साधन सामग्री है। सुखी से सुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है और दुखी से दुखी भी परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। तो प्राप्त करने की सामग्री है। अब दूसरा कोई दुख नहीं देता, ये इस बात पर विशेष ध्यान दें आप। अमुक ने मेरे को दुख दिया, दूसरे को नहीं है। परमात्मा के सामने कैसे दे सकता है सब हमारे दुख से दे सकता है। और परिस्थिति परमात्मा की देह में से वो आवेगी, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां आवेगी। और हम सुखी हो जाएंगे। आपको एक बात बताऊंगे विशेष ध्यान देने के लिए, आज दिन आपने जितना सुना है समझा है पढ़ा है इतिहास में, कोई एक आदमी का ऐसी इतिहास बता सकते हो जो जन्म भर सुखी रहा हो? इतनी तो सृष्टि अरबों और अरबों वर्षों से चली आ रही है, उसमें एक ही आदमी सुखी नहीं मिलेगा। मिले तो आप आज बता दो, फिर खोल कर बता दो, इतिहास देख कर बता दो कि भाई इस जन्म में इस जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। अगर अपने कारण से सुख हो जाता तो दुख कोई क्यों रहने देता? दुख क्यों रहता? सुखी हो जाता। तो आज दिन तक एक भी अपने उद्योग से सुखी नहीं हुआ, मानो सुखदायी परिस्थिति उसकी नहीं रही। सुखी दुख तो मूर्ख का फल है। तो सुखी अर्थव रहेगा, मस्त रह सकता, आनंद रह सकता है, परंतु कोई भी दुखी नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं। परिस्थिति दुखदायी न आई हो ऐसा कोई भी प्राणी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म निर्मित है। कर्म में सुख दुख देखा चाहिए होगा आएगा, परंतु दुखी होना सुखी होना ये केवल सिर्फ मूर्खता के और कोई कारण नहीं। वो मूर्खता सर्वथा मिटाई जा सकती है। आम कोई भी मैं मिटा लू, आम मिटा लू, कोई मिटा लू, बिल्कुल मिटाई जा सकती है। हरदम मस्त रहेगा, सुख दुख दोनों से ऊंचा उठने के लिए मानव शरीर है, सुखदायित्व से आ जाएगी। अतंत्र योग दर्शन की व्याख्या में एक श्लोक आता है, प्रज्ञा प्रासाद मारू यो